एमएससी शिक्षक सृजन शर्मा ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी है। उम्मीद है वर्ष 2027 में भारत विश्व में तीसरे पायदान पर होगा। दुर्जन लोग अधिक नहीं होते, अब वक्त आ गया है सज्जन चुप्पी न साधें और मतदान में बढ़ चढ़कर देश के विकास और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मोदी के नाम पर वोट करें। बलवंती कन्या इंटर कॉलेज में किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बंटी तोमर के संयोजन पर आधारित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एमएलसी शिक्षक सृजन शर्मा ने अपनी ओजस्वी संबोधन में ये बातें कही। समारोह की अध्यक्षता लैना सिंह ने और संचालन स्कूल के प्रबंधक इंद्रपाल सिंह तोमर एवं शिक्षक विकास वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में एमएलसी सृजन शर्मा, बड़ौद से पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, कैराना से लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी के पुत्र अंशुमान चौधरी, ब्लॉक प्रमुख रामपाल चौधरी, पूर्व प्रधानाचार्य एवं नगर पंचायत ऊन के पूर्व नगर अध्यक्ष ब्रजेश वशिष्ठ, प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार पवार, प्रबंधक ऋषिपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। भाजपा के एमएलसी शर्मा ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, बताया कि मोदी ने बिना किसी भेदभाव के सबका विकास किया है, जाति और धर्म देखकर नहीं किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, विस्तारक दीपक प्रजापति, पूर्व प्रधानाचार्य राजवीर चौधरी ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में पधारने से पहले एमएलसी शिक्षक शर्मा और पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित निकटवर्ती गांव जमालपुर स्थित गुरुदेव आईटीआई में पहुंचे थे, जहां बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। वितरण समारोह में मुख्य अतिथि सृजन शर्मा, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित ने माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया और 185 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। स्कूल प्रबंधक शिव कुमार चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं और सुनते हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ ये रिपोर्ट।
भविष्य में कोई नौकरी लगती है तो उसका कारण भी मेरे अध्यापक ही है। क्योंकि कुंवरजी का संघ तो हर विद्यालय में, लेकिन सेपरेट विद्यालय कन्याओं का केवल यही है परिवहन की देवी कन्या चौधरी, और इसमें आज ये स्कूल शीर्ष पर है। नजर नजर में उतरना कमाल है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। मेरे इरादों का इम्तिहान तो अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। आपने किया आपका जीवन परिचय, हम 15 जून 1966 को आपका धरती पर अवतरण हुआ एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में, फिर वहीं पर शिक्षा दीक्षा गांव में करके आपका गांव धूम मानिकपुर दादरी क्षेत्र में गौतम नगर में जिले में आपका निवास अवतरण हुआ। आपने ज्योतिष शास्त्र से स्नातक डिग्री प्राप्त की। 1988 में आपने आरएसएस की सेवा प्राप्त की, और इसके पहले आपने साहित्य रत्न शिक्षा जगत में, फिर साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। आप आरएसएस के स्वयं सेवक संघ के समाज की सेवा के लिए आपका पदार्पण हुआ। विशिष्ट पहचान बनाई 1996 में जब विश्व हिंदू परिषद का जिला प्रमुख बनाया गया। आप का समर्पण देखते हुए 1998 में सहकारिता प्रकोष्ठ का जनपद गौतम बुद्ध नगर का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2000 में आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख की अहम भूमिका आपने निभाई। 2004 से 2007 तक आप गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, और ये आपका पार्टी के प्रति राष्ट्र के प्रति आपका भाव बढ़ता चला गया, और 2013 से 16 तक भारतीय जनता पार्टी संगठन में आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रकल्प में प्रदेश संयोजक रहे। आपको अनेक जनपदों का जिला प्रभारी और चुनाव प्रभारी बनाया गया। 2017 में आप मेरठ महानगर के जिला प्रभारी रहे। फिर आगे ऐसे ही आपकी यात्रा बढ़ती चली गई। 2019 में तो वो कर दिखाया हमारे शिक्षा के पुरोधा ओम प्रकाश शर्मा जी, 48 साल तक 8 बार एमएलसी चुने गए, 48 साल तक अध्यापकों की शिक्षक समाज की सेवा करते हुए ओम प्रकाश शर्मा एक नाम शिक्षा जगत में, और जब 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर
एमएनसी का चुनाव लड़ा तो एक ऐतिहासिक थी, 29,600 कुल वोट और आपको 7100 वोट मिला। इतना बड़ा डिफरेंस बना कि आप हमारा सौभाग्य बने, इस क्षेत्र का सौभाग्य बने, इस प्रदेश का सौभाग्य बने। आप एमएनसी पर 2019 में चुने गए और ये मैं तो कई जगह आपसे, कई सम्मेलनों में आपसे मिला तो आपके विचार से प्रभावित हूं। मन आया जब अपने से बढ़कर अपने शिष्य का ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है। कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े घोर, अंतर हाथ बाहर बाहे चोर। इंद्रपाल जी बहुत बधाई के पात्र, आदरणीय शीतल शर्मा जी हैं, वे निरंतर चाहे विधान परिषद के माध्यम से या अन्य माध्यम से निरंतर शिक्षक और शिक्षक के प्रगति के लिए लगे रहते हैं। दूसरी महान विभूति आदरणीय लोकेश दीक्षित जी बड़ोर से विधायक रहे, बहुत लोकप्रिय, विकास के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि बड़ोर से मेरा भी संपर्क। तरीका वो सभी मतदाताओं पर इतना असर कर गया कि आप इतने अंतर से जीते और आज हम सभी को आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। इसी जागरूकता के साथ शिक्षा जगत और शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाते रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रीजन शर्मा जी विधान परिषद के सदस्य हैं वर्तमान में, बहुत ही कन्वर्ट हमारे छोटे भाई भूपेन्द्र सर, इसके सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से नवाजे गए और केरला विधानसभा में और आज के लिए आए श्रीचंद शर्मा जी के लिए, कल आप श्रीचंद शर्मा जी की वोट मांगोगे, ऐसे व्यक्ति के लिए हम आपके सामने वोट मांगने के लिए आए हैं। और मैं जो शर्मा जी के रूप में मिले हैं, हम सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारी गणा हो और हमारी खो खो की टीम उत्तर प्रदेश की एक चुनिंदा टीमों में से आती है। आप अगर यहाँ पे एक मैट की व्यवस्था कराएं तो आपका मैं पूरे जीवन ऋणी रहूंगा। जहां भी स्पोर्ट्स में मुझे मेरी जरूरत समझेंगे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। दूसरी बात, एक हमारे कंप्यूटर की लैब है, वहां पे उपकरणों की बहुत कमी है। ये निजी स्वार्थ की बात नहीं है, ये क्षेत्र की पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात है। और अंतिम शब्द कहते हैं मैं
करता हूँ कि आप सब यहाँ आए और मुझे भी बुलाया और आज रात ही बहुत एक अच्छी खबर हम सबके सामने आई। कल हमें आशीर्वाद आप सभी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माननीय योगी जी का, शीर्ष नेतृत्व का पूरा हमें आशीर्वाद मिला और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो 2024 में दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री को दिल्ली की कुर्सी पर दोबारा से विराजमान जो हमें कराना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और साथ साथ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने हमने देखा है किस तरीके से बच्चे पढ़ाई में जाने से किस तरीके से परेशान हुआ करते थे, किस तरीके से माताएं बहनें बाहर अपना अकेले जाने में कितना घबराया करती थी। हमने वो समय भी देखा है जिस समय पे अंदर भ्रष्टाचारी यहाँ कितनी थी और आज का समय है जहाँ पर आपको सुरक्षा भी मिलती है, आप अपने परिवार में खुशहाल भी हैं और आप सभी को एक ऐसा माहौल बनता है जिस तरीके से आप अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और सबके मन में हर बच्चे के मन में ये चाह होती है कि अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम रोशन करें। और उसी कड़ी में हमें देखो जहाँ तक उम्मीद है कि शामली जिला जो है ना, खिलाड़ियों के उसमें ले लो चाहे आप पढ़ाई में ले लो, कहीं ना कहीं बाकी जिलों से अव्वल नंबर पर आता है जहाँ तक जो चीज़ मैंने महसूस करी है। तो उसी की मेहनत करते हुए मैंने एक चीज़ और सोची है कि भाई जो हमारी पिछली सरकार, जो अन्य सरकारें थी, वो किस तरीके के काम करा करती थी। मैं को खूब अच्छे से ध्यान है मेरे को, मैं सुनी सुनाई बात करूँ, मेरे को भाषणबाजी ज़्यादा करनी नहीं आती, बस जो मन में आता वो कहने का मैं काम करके छुट्टी। मैंने वो समय भी देखा जिस टाइम पे सहारनपुर जिले में सिटी में मोमबत्ती लगा के पढ़ाई करी जाती थी और आज वो समय है जब वहाँ लाइट विभागी देखी नहीं जाती, परमानेंट पर अपनी लाइट मिलती है। किस तरीके से हाईवे के क्षेत्र में काम हुए, किस तरीके से रेलवे के क्षेत्र में काम हुए, वो हम और आप सबके सामने हैं। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमारे NLC साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने जीत और मेहनत एक शिक्षा के जगत में उभर रहे हैं, वाकई में एक सराहनीय काम है और आज हम सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं अपने शीशन शर्मा जी का यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ और अपनी पूरी केरला लोकसभा क्षेत्र की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ और दोबारा से सोचूंगा कि भाई आप दोबारा से हमारे बीच में MLC बन करके आए, क्योंकि अभी तो हालांकि लंबा समय है पर लेकिन सोच के ही चलना पड़ता है कि आप ही दोबारा बन करके आए। तो दोबारा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम सबको केवल अपने 2024 के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद की प्रार्थना करूँगा कि आप सब हमारा उसी प्रकार से साथ दें जिस तरीके से आपने 2019 के चुनाव में हमारे साथ दिया और इस केरला लोकसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बालिकाएं मातृशक्ति देव तुल्य सभी सज्जनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्मानित मंच, एक विधायक के हिस्से में 30 या 35 किलोमीटर की विधानसभा आती है, इनके पास 9 जिले हैं और एक जिला कम से भी कम 60 या 50 या 70 किलोमीटर का जिला है, तो 9 जिले बैठ गए कम से कम 500 किलोमीटर। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास और याद है भाई साहब का कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन क्षेत्र में 400 किलोमीटर गाड़ी ना चलती। कितनी यात्रा रोज करने वाले और शिक्षा जगत को जनाने वाले और शिक्षाओं की आवाज बखूबी उठाने वाले, बालिकाओं की, बच्चों की, मजदूर, गरीब, किसानों की आवाज उठाने वाले, एक साधारण परिवार से आने वाले हमारे बड़े भाई श्रीचंद शर्मा MLC साहब और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोग, जिसमें अभी नाम लूंगा तो लंबा भी होगा काम, खैर नहीं भी कहो क्योंकि कोई भी राजा पहले अगर लड़ाई लड़ता था तो वो मां भवानी की पूजा करने के बाद ही शुरुआत करता था। मुगलों को कोई हराने का काम करता था तो पहले मां दुर्गे की, भवानी की
पूजा करने के बाद करता था। इंद्रपाल जी आपको साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत पुण्य का काम किया है, काम तो सभी लोग करते हैं। मित्रों, इसी के साथ मनोज शर्मा जी, प्रवीण कुमार जी और हमारे बड़े वरिष्ठ ब्रजेश वशिष्ठ साहब, अनिल शर्मा जी, प्रधान जी, श्रवण जी, ऋषिपाल जी, प्रदीप मलिक साहब और हमारे भूपेंद्र शर्मा जिले के उपाध्यक्ष जी, प्रमुख साहब रामपाल जी और सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए मित्रों, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा और परिवर्तन विकास की जननी है मित्रों, ये याद रखो और इसके आप साक्षी बनेंगे। 500 वर्षों की जो लड़ाई थी, जो हर व्यक्ति हमारी माताएं बहने कहती थी श्री राम का मंदिर हमारे जीवन काल में बनेगा या नहीं बनेगा, इसका उनको पूरा विश्वास नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों ने पूर्ण रूप से सरकार दी और उसका परिणाम मिला, 500 वर्षों की समस्याओं का बिल्कुल समाप्त करने का काम। मैं साधुवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। मित्रों, लंबा समय नहीं लूंगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी गांव का, किसी तहसील का, किसी भी जिले का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां विकास ना हो, हर जगह विकास है। महबूबा वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कहती थी अगर 370 को हाथ में लगाया तो यहां खून के दरिया बह गए। मैं कह रहा हूं साधुवाद देता हूं मैं अमित शाह जी को, खून की नदियां तो क्या वहां खून का टपका भी नहीं गिरा। मित्रों, ये आपका लोकतंत्र, आपकी ताकत, आपकी वोट की ताकत। और आपसे निवेदन करते हैं कैराना से जब कमल खिलके जब पार्लियामेंट में जाएगा तो हम प्रधानमंत्री से बहुत कुछ मांगने की स्थिति में रहेंगे। मित्रों, इसी के साथ मैं अपना समय अपने नेता श्री चंद शर्मा जी को दे दूं क्योंकि उनको आगे श्रीमान धना सिंह जी उस संस्थान के प्रबंधक श्रीमान इंद्रपाल सिंह जी, हमारे ब्लॉक से चलकर हमारे बीच में आए विधायक रहे और कैराना विधानसभा के इस समय चुनाव के प्रभारी हैं श्रीमान लोकेश दीक्षित जी, डॉक्टर मनोज शर्मा जी, प्रधानाचार्य अपराणा हो गए थे लेकिन अपनी माता जी के स्वास्थ्य को देखकर उन्होंने प्रवक्ता रहना ही स्वीकार किया, ऐसे भाई मनोज जी जिन्हें के उपाध्यक्ष भी रहे भाजपा के, श्रीमान प्रवीण कुमार जी प्रधानाचार्य जो शिक्षण कार्य को हमेशा प्राथमिकता देकर इन्होंने काम किया और हमारे चुनाव में भी उन्होंने बड़ी तल्लीनता से काम किया, ऐसे श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमान ब्रजेश वशिष्ठ जी पूर्व प्रधानाचार्य भी हैं, उनके चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत सम्मानित और सामाजिक व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। बहन रूपी चौधरी जी, उन्होंने हमारे चुनाव में बड़ी तल्लीनता से काम किया। भाई भूपेंद्र शर्मा जी जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और जिन्होंने बहुत जिद की थी कि ये कार्यक्रम इनमें जरूर आना है, ऐसे भाई भूपेंद्र जी, श्रीमान सुरेंद्र सैनी जी मंडल अध्यक्ष भाजपा, श्री सुरेंद्र चिकारा जी, श्री प्रदीप मलिक जी जवाहर इंटर कॉलेज, श्री सत्यपाल जी जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री रोशनी सैनी जी, गुरमीत कौर जी, भाई श्रवण शर्मा जी, श्री रवि गोयल जी पूर्व जिला महामंत्री, हमारे ब्लॉक ऊन के प्रमुख आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्रीमान देवेंद्र निर्वाल जी के मामा जी भी हैं, श्री पंकज सैनी जी, अभी जिनका थोड़ी देर पहले हमने सुना था, ऐसे अपने सांसद प्रदीप चौधरी जी के सुपुत्र श्री अंशुमन चौधरी जी, श्री केपी सिंह जी मित्रहीन और एडिड कॉलेजों के आए हुए सभी शिक्षकगण, क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित गण, मैं आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया तो हम उनको संरक्षण दिया, तो देखिए दुनिया के कोई
जाने, हम समझते हैं कि दुनिया की एजुकेशन अच्छी है, यदि ऐसा होता तो वहां के लोग वो कर पाते जो भारत नहीं कर पाया, भारत ने वो कर दिया जो वो नहीं कर पाए। मैं आपको ये बता रहा हूं, एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट उन्हीं की कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम सफलतापूर्वक भारत के वैज्ञानिकों ने किया कि नहीं किया? ये मोदी जी के संरक्षण में उन्हीं बच्चों ने, जो इसी देश के पढ़े हुए बच्चे हैं, वे कोई दुनिया में पढ़ के नहीं आए, भारत वर्ष से ही पढ़ के वो आगे गए हैं। और इतना ही नहीं, पहले हमारे देश के नेताओं को आदत थी, कोरोना तो छोड़िए, वो निमोनिया हो जाता था तो उसकी भी वैक्सीन बाहर से आएगी, पोलियो की वैक्सीन बाहर से आएगी, मलेरिया की वैक्सीन बाहर से आएगी, अपने यहां पैदा नहीं करते थे, तैयार नहीं करते थे, क्योंकि बाहर से लेने में मोटा कमीशन मिलता था। मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया, समर्थन दिया, तो एक एक दो दो नहीं, चार चार वैक्सीन डेवलप करने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। और फिर देश को 200 करोड़ से ज्यादा टीके तो अपने देश के नागरिकों को मुफ्त में लगवाए उन्होंने, उसके बाद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को टीका निर्यात करने का भी काम उन्होंने किया, उनको भी टीका देने का काम मोदी जी ने किया। आज भारतवर्ष आत्मनिर्भर ही नहीं है, दुनिया को देने वाला भी बन रहा है। हमारे बुलावे पर आए हैं, हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। बलवंती कॉलेज को आपसे बहुत आशाएं हैं। याद पिछड़ा होने के कारण मैं बेटियों के लिए बहुत कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लाकर बच्चियों को लाभान्वित करना चाहता हूं, लेकिन कुछ अनिश्चितता है, कुछ दिक्कतें आती है जीवन में, करने सोचने के बाद भी नहीं कर पाता। तो अपने शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अपनी कृपा दृष्टि से जो जो विद्यालय के लिए आपको सुलभ हो वो अवश्य बता के जाएं, अच्छा होगा, ये समाज सुन के आपको और भी ज्यादा लाभ करेगा। धन्यवाद बहुत। एमएलसी सिरिजन जी, जो यहाँ स्वागत समारोह किया गया है वो एमएलसी तथा इनके सम्मान में अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से ये भी किया गया है कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा विकास हो, कॉलेज का विकास हो, ये हमें सहयोग करें। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हादसा हुआ है आपके क्षेत्र में, परमात्मा उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का हम सभी मौन रखकर परमात्मा से निवेदन करेंगे कि उन आत्मा को शांति दे, उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे।